राम जी के मंदिर में जाएंगे तो राम जी का श्रृंगार केवल पंडित जी करेंगे, या राम मंदिर के जो पंडा होंगे वो करेंगे। देवी के मंदिर में जाओगे तो देवी जी का श्रृंगार पंडित जी करेंगे, या जो वहां पर मठाधीश पीठाधीश जो होंगे वो करेंगे। कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो उनका श्रृंगार भी भगवान पंडित ही करेंगे, या वहां का जो पंडा होगा वो करेगा। पर पूरी दुनिया में केवल एक देव महादेव ही एक ऐसे हैं कि जिस मंदिर में जाओ लोटा भर के पानी चढ़ाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा श्रृंगार करो। शंकर कहीं भेदित नहीं है, शिव कहीं भेद नहीं है। और बड़ी एकाग्रता, बड़ा चिंतन, बड़ा मनन शिव का। सब दूर जाकर झोली फैलाकर कहना पड़ेगा कि हमको ये दे दीजिए। शंकर के पास जाकर झोली फैलाकर कहना नहीं पड़ेगा कि हमको दे दीजिए, केवल अगर आप शंकर के चरणारविंद तक पहुँचे हो या शिव महापुराण तक कभी भूल से भी आप पहुँच गए हो तो ये आप आने वाले नहीं हो। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप शंकर के करीब पहुँच जाएं, शिव महापुराण तक पहुँच जाएं। ये तो स्वयं शंकर को कोई करुणा करना होगी, शंकर को कोई दया करना होगी, कुछ कृपा करना होगा, इसलिए बाबा ने आपको बुला लिया, बाबा ने आपको दर्शन दे दिया। वो शिव कर सकते शंकर के दरवाजे पर जाकर अब कुछ मांगना भी मत, वो तो खुद दे देगा। बस जाकर बोल देना कि बाबा ऐसी बात है। कल इंदौर से एक भैया आए थे, उन्होंने माइक लेकर बोला था, ध्यान होगा कि उन्होंने माइक लेकर उसको माइक लेकर बोला था कि भाई बाबा छोटा सा बालक है, आईसीयू में पड़ा हुआ था, पर भगवान शिव की करुणा ऐसी हुई, उसने कोई उपाय ऐसा कर लिया कि बालक आईसीयू से भी हट गया और यहाँ वो लेकर भी आ गए। आपकी उपासना, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप, आपका स्मरण कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। वो भक्ति के एक पन्ने पर लिखा हुआ है, देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कहती है। 24,000 श्लोक इस शिव पुराण में है, 12 खंड हैं, 7 संहिताएं हैं। उसमें देवराज का जो चरित्र है, जो देवराज पहले तो सत्कर्मी था, भजनावली था, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, भगवान का स्मरण में डूबा हुआ था, भगवत नाम में डूबा हुआ था, पर वही देवराज भगवत कर्म से वंचित हो गया केवल संगत के कारण। निवेदन है, ताली थाली और प्याली, ये तीन मित्र मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। एक प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, बहुत जल्दी बर्बाद करेंगे ये महाराज। बहुत जल्दी हरा सकते हैं आपको। फिर थाली मित्र
होटल में खिलाने वालों से सावधान रहना, पहले अपना पैसा खर्च करके तुम्हें खिलाएंगे, फिर पूरा चूना तुमको लगा जाएंगे। तीसरा है प्याली मित्र। मित्र को पीना याद नहीं, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, फिर उसके पैसे से पूरी जिंदगी पिएंगे। ताली, थाली, प्याली, ये तीन मित्र बर्बाद करने वाले हैं। इन मित्रों से बचना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें अगर कोई अच्छा बताने वाला होगा ना, रोकने वाला होगा ना, सतमार्ग बताने वाला होगा, कोई आपको गलत मार्ग से हटाने वाला होगा, तो वो बुरा लगता है। और जो आपको खड्डे में ले जाकर पटक दे, चूना लगा दे, लाखों करोड़ों में नीचे उतार दे, व्यापार व्यवसाय में कहीं ना कहीं ले जाकर गलत काम में तुमको फंसा दे, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कलयुग का जो फेर है, कलयुग का जो क्रम है, वो ये निश्चित कर देता है कि आपको सतमार्गी ठीक नहीं लगेगा। इस व्यासपीठ से कितने उपाय बताए जाते हैं, हर चीज का उपाय है, और लोग कर भी रहे हैं और फायदा भी है, पर उस उपाय को कई लोग ऐसे हैं कि करते ही नहीं है। फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे, फिर किसी कहीं जाकर पूछ लिया, कहीं बाबा जोगी आ रहे होंगे उनके पास पहुंच गए, किसी का सिर घूम रहा होगा, माँ गेहूँ दाना लेके पहुंच गए, कहीं नरियल लेके पहुंच गए, फिर उनसे जाकर पूछेंगे, बताओ माताजी, बताओ पिताजी, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, और माताजी पिताजी बस तुमसे धन लूट सकते हैं, बताएं क्या। जो शिव है नज़दीक में, जो शंकर है करीब में, जो शिव विराजमान है तुम्हारे भीतर स्वयं, जिसकी आराधना राम कर रहे हैं, जिसकी आराधना कृष्ण कर रहे हैं, जिसकी आराधना देवी कर रही है, दत्त कर रहे हैं, और सारे मंडल, नवग्रह, सोलस मात्रिका, पंचलोकपाल, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो शंकर की आराधना करने में अपना क्या जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण को जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई और विष पिलाने के लिए पूतना आ गई, तब भगवान कृष्ण दूध तो पी लिया, पर जब विष पीने का समय आया तो भगवान कृष्ण उसी समय पर शंकर भगवान को याद करते हैं। भोलेनाथ जी आओ, शंकर भगवान ने पूछा क्यों कृष्ण, कन्हैया जी कहते हैं दूध तो मैं पी सकता हूँ पर विष पीना मेरी सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे गले में आकर बैठ जाओ। भगवान शंकर भगवान कृष्ण के गले में आकर बैठ गए और सारा विष पूतना का पी गए। स्तनों का जो विष था, जब शंकर भगवान पिए तो शंकर भगवान को भी चक्कर आ गए, चक्कर आकर नीचे की ओर भगवान गिरे, तब भगवान कृष्ण को लगा करूं क्या, भगवान ने एड़ी का प्रहार करा और मानसी गंगा को प्रकट करा, गंगा का जल शंकर भगवान पर चढ़ाया, तब जाकर भगवान शिव के चक्कर मिटे, इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम चक्लेश्वर महादेव है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में पड़ता है चक्लेश्वर महादेव, भगवान को स्वयं चक्कर आ गए, इतना विषेला विष, इतना प्रबल विष शिव धारण करे। तो क्या कृष्ण, राम, दत्त जितने भी हैं सब भगवान शंकर से ही ले सकते हैं, शिव से। कभी खजाना कम ना होता उसके दरवाजे का, वो लुटाता रहता है। अंबारियों में लुटाया उसने, जब विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को वरण किया, तब भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि तू जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं
एक शंकर का मंदिर और एक देवी का मंदिर, ये दो मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं। देवी माँ है, माँ अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो माँ जाग जाती है। माता का दरबार, माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता। हाँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत करना हो तो भले थोड़ी देर बंद कर दे, पर माता का मंदिर बंद नहीं होता। कभी जाना वैष्णो देवी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना देवास की टेकरी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना मैयर, कभी बिजासन, तुम जितने देवी के मंदिर में जाओगे, चाहे मनसा जाओ, कामाख्या जाओ, चाहे चिंतपूर्णी, नयना, ज्वाला, सारे मंदिरों में रात भर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को जागता हुआ देखती है तो माँ सो नहीं सकती। एक जगदम्बा और एक शंकर, शंकर का मंदिर भी कभी बंद। हाँ, ये चोरों से बचाने के लिए भले मंदिर में ताला लगा दिया जाए, पर शिव का मंदिर भी बंद नहीं होता तो शंकर का मंदिर क्यों नहीं बंद होता? तो शंकर भगवान की कथा कहती है, क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं। शमशान का गेट काय को बंद करेंगे? माँ कौन आ रहा है? माँ तो कभी भी आ सकते। शिव भस्मी धारी, शिव त्रिपुंड धारी, त्रिकाल दर्शी, उसका भी दरवाजा बंद नहीं होता। कोई शंकर से पूछे कि तुम कितनी बजे सोते हो, भगवान शंकर से कोई पूछ ले या माता रानी जगदम्बा भवानी से कोई पूछ ले, तुम सोते कब हो? चलो वो भी जाने दो, तुम घर की माँ से पूछ लेना, माँ तो कितनी बजे सोती है? जरा सी बच्चे की आहट आई, जग जाएगी। भले बच्चा छोटा है, तब की भी बात जान दो। बच्चा अगर बड़ा भी हो गया ना, कॉलेज भी पढ़ रहा है, खूब अच्छी नौकरी वोकरी भी करने की तैयारी कर रहा हो या नौकरी कर भी रहा हो ना, तो भी माता का हृदय माता का होता है। अगर बच्चे की जरा सी रात्रि को पढ़ने बैठा हुआ है बेटा, भले बड़ा बच्चा है और रात को अगर पढ़ाई कर रहा है, कितनी बजे बेटा पढ़ने बैठा और कितनी बजे तक पढ़ा, माता को बेटे को बताने की जरूरत नहीं होती। बेटा बताए ना माँ को तो भी माँ जान जाती है कि रात को तू 4 बजे तक पढ़ रहा था, ले मैं चाय बना कर ला देती। ये माता की आहट है, ये माता की वात्सल्यता है, ये माता की करुणा है। और बेटे का यदि मुख उतरा हुआ हो तो माँ जान जाती है कि आज कोई बात है, पूछेगी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो है। अगर बच्चा उस दिन नहीं बताएगा तो 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा, पर माता को मालूम पड़ेगा। मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कोई पूछे कि तुम सोती कब हो, कोई शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से पूछे तुम सोते कब हो, तुम विश्राम कब करते हो, तुम्हें निंद्रा कब आती है। भगवान ब्रह्मा को एक क्षण की निंद्रा आई और वेद हाथ से खसक गए, हयग्रीवा ने वेद ले लिए, तब भगवान तुरंत पधार कर वेद ला कर दिए। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं, देव सोनी एकादशी पे सो गए, अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। दत्त भगवान भी सोते हैं, सारे 33 कोटि देवताओं के सोने का श्रृंखला लिखी हुई है कि कौन देवता कहाँ कितने समय के लिए विश्राम करता है, कितने समय के लिए आराम करता है, कितने समय के लिए कौन सा देवता कब निंद्रा ग्रहण करते हैं, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर एक देव अधिदेव महादेव के लिए कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण सोते हों। एक शिव के लिए और एक जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के लिए कहीं नहीं लिखा कि ये सोते हो। गणेश जी का भी विश्राम लिखा है कि गणेश जी भी विश्राम करते हैं,
कार्तिकेय का विश्राम लिखा है, कार्तिकेय विश्राम करते हैं। शंकर भगवान की कन्याएं जया विशहरा सामरीवारी दोतली देव, इनका भी लिखा है, इनका भी वर्णन लिखा है। जया विशहरा सामरीवारी दोतली और देव, ये पांचों कन्या शाम को ठीक प्रदोष काल के समय पर विश्राम ले लेती है। इसलिए प्रदोष काल के समय, जैसे सूर्य अस्त होने का जब समय आने लगता है, प्रदोष काल जब आने लगता है, तब शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो जलाधारी को हटा दिया जाता है। पर भारत की भूमि पर चार मंदिर ऐसे हैं जहां पर जलाधारी नहीं हटती, जहां पर निरंतर जलाधारी में से जल गिरता है, निरंतर। प्रदोष काल के समय जया विशहरा सामरीवारी दोतली, जो शंकर भगवान की कन्या है, ये भी विश्राम कर लेती है। अशोक सुंदरी शिव की पुत्री, ये भी विश्राम कर लेती है। पर अगर विश्राम नहीं करते तो शिव, किसी ने पूछा सारी दुनिया आराम करती है, आप विश्राम करते हो, क्या मतलब है ये? शंकर भगवान कहते हैं, मेरे कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विश्राम। शिव विश्राम भी कर रहे हैं तो वो वाला विश्राम नहीं कि कहीं पलंग पर, कहीं सैया पर, कहीं जाकर सो गए, आराम कर लिया या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दवारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं, सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा। पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा हो या कोई उनका चरण डोला रहा हो, तो बहुत कठिन। बेटा यदि पुकारे, एक वो पहले एक भजन चलता था, वो बेटा जो पुकारे माँ को आना चाहिए, ऐसा कुछ था उसमें। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, माता के चरणों में शीश नवाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। वो बुलाए, माँ भी जाग रही है अपनी संतान के लिए। अभी ये 7 दिन की जो पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा है, ये जब विराम होगी उसके बाद में शिव शक्ति शिव पुराण प्रारंभ होगी, उसमें सारे माता के एक एक भाव। जगत जननी जगदम्बा ने अपनी बिछुड़ी चूड़ी केश फेंक कर भी किस किस का उद्धार कर दिया और किस किस को मार दिया, वो तक का वर्णन है। मारा नवरात्र में अपन सुनेंगे कथा। विश्राम तो नहीं है भगवान। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंच गए सुंदर आनंद में, अमर गुफा में। जिस अमर गुफा में शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना है, केवल पार्वती को नहीं, केवल माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है भगवान शंकर ने अमर गुफा में, भगवान के साथ में पार्वती के जितने अवतार हुए, कमला बनी, तारा बनी, धूमा बनी, बगला बनी, मातंगी बनी, मनसा बनी, नैना बनी, चिंतपूर्णी, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कल्याणी, जितने भगवान के अवतार हुए, शंकर जी की शादी कितने बार हुई है? 51 बार। और ये पार्वती के साथ में 52वें नंबर की शादी है।
कई बार ये भगवान की शादियों के पीछे भी झगड़ा होने लगता है भाई, लोग मांगे उसमें भी झगड़ लेते। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, उन्होंने सुंदर महाभारत सुना दी, सुनाई तो उसमें सब अच्छा अच्छा सुना दिया, द्रौपदी का चरित्र भी कह दिया, पांच पति थे, ऐसा था वैसा था। इतने में पंडित जी जाने लगे कि आज महाभारत समापन हो गई, चलो सब दूर से दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं, जजमान के घर जाऊं। पटेल साहब क्या गए, पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले सीताराम जी आओ, पंडित जी बैठो। अब पंडित जी तो बैठ गए, खटिया लगा दी, पटलन गोबर से लीप रही थी, पटेल साहब बैठे थे, हुक्का धुन रहे थे। हुक्का धुनते धुनते बोले पंडित जी तुमने कई कथा सुनाई महाराज, मारा मन चोखा कर दिया, मारा मन चोखा कर दिया, पर जई कथा तुम पहले सुना देते ना तुम्हारी जिंदगी सवर जाती। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा पटेल साहब ऐसा क्या कथा में से ले लिया तुमने। अरे पंडित जी जैसे वो युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव भीम सब जुआ खेल रहे थे ने हार गए, उनके पास हारने का कुछ नहीं था तो उन्होंने अपनी पत्नी के लगा दिया, मैं भी एक बार हार रहा था मेरे को क्या मालूम था ने पटलन के लगा दिया था। अब तो पटलन गोबर लीपती लीपती उठ के खड़ी हुई, इतना सारा घूंघट करके बोली पंडित जी सही में इतनी चोखी कथा सुनाई तुमने पंडित जी जिसका वर्णन नहीं है, पर जेई कथा तुम पहले कह देते नहीं तुम्हारी जिंदगी सवर जाती। भद्रोपति के पांच पति जैसी मैं भी करके लिया था। अब तो पंडित जी ने तो झोला बिस्तर सब बंद करके जाने लगे दक्षिणा जाए चूल्हा, अपन तो चलो यह तो दंगा महाभारत चालू हो गया। तो केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है। पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई, हर अवतार में चाहे उमा हो महेश हो हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, YouTube Facebook पर सुन रहे हैं, उन सभी को निवेदन करूंगा, आप पुरुषोत्तम शिव महापुराण का चतुर्थ भाग श्रवण कर रहे हो, ये चतुर्थ भाग का पहला दिन है, आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो वो आपकी मर्जी है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्र चित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है ये इसका एक जन्म नहीं ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता। कितने जन्म, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनी तो ये पेड़ पौधे की है, कभी गुलाब का पौधा, कभी गेंदा का फूल, कभी गोभी का पौधा, कभी कद्दू का, कभी लौकी का, कभी भिंडी का, कभी दूबा, कभी घास, कभी खाकरा, कभी आम, कभी आंवला, इसका भी क्रम समझ लेना। छोटे से छोटे नल्ली के पास में बने हुए कीट से लेकर आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष जब तक पहुंचते हैं समझ लो
कई योनियां तो हमने काट चुके हैं। ये आंवले का पौधा देखो, कहीं तुलसी का पौधा देखो, कहीं बड़ का पौधा देखो, तो समझ लेना इनकी 20 लाख योनियों में से कम 18 लाख योनि ये काट लिए तब जाकर ये पीपल और बड़ और आंवला बने। चौरासी लाख योनियों में 40 लाख योनियां तो यही निकल गई पेड़ पौधा में बची हैं, तो ये सब कीट पतंगा मच्छर कीट ये सब। अब एक ये कोरोना महामारी हो गई, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये कहीं अलग से ही आ गई। ये जो जीव जंतु है आज एक माताजी आई थी चौरसिया परिवार की, वो कह रही थी गुरुजी हमारी बहन मर गई पर हम जा ही नहीं सके। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो तू भी चली जाती। कहा जाए, अरे गुरुजी ऐसी बीमारी आई कि रिश्तेदार उन मर रहे पर जा नहीं सक रहे। हमने कहा बिल्कुल मत जाना, नहीं तो ऊपर मीटिंग करते हुए मिलोगे, बिल्कुल ना जाइए। इतनी बुरी बीमारी, बेटा बाप को ना देख पा रहा है, बाप बेटे को ना देख पा रहा है, भाई बंधु को ना देख पा रहा, कुटुंब कबीले को ना देख पा रहा, और तो और जब मर गया तो 13वें का भोजन खाने बामन भी नहीं आ रहा है। कितना विचित्र है। सोचा 12वें का भोजन करा दे, ब्राह्मणों को बुला ले, ब्राह्मणों ने पूछ ले भैया ये बताओ कैसे निपटा, तो के कोरोना में तो के भैया रहने दे तू तो दादा छो। बड़ी विचित्र बीमारी। और मान लो बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर तालाब में स्नान कर नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर घर के दोनों दरवाजे पर घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज़्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लदालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। उसका प्रयोग अवश्य कर सुख समृद्धि के लक्ष्मी वैभव के।